देख रहे हैं सज्जाद सरदार यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सज्जाद सरदार। आज हैं हमारे साथ मरियम, मेरी पुरानी शागिर्द है और बहुत कम आती है, मूडी है ना, ऐसे ही है ना, मूड था तो आ गई। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम काफ़ी दिनों बाद आई हो मरियम, तुम्हें लेसन याद है अपने पुराने? जी। क्या लेसन था तुम्हारा लास्ट लेसन? क्या थे रिलेशन? इमेजर का रिलेशन था जी। सुना गलत है, फिर से आओ, क्या गलती करी ढूंढो पुलिस। हाँ पहले तुम जी माइनर बजा रही थी, अब बस दोबारा आओ। एफ शार्प, एफ शार्प, ये अगेन। अच्छा नाज़रीन, ये मरियम ने सुनाए हैं ई मेजर के रिलेशन प्रोग्रेशन कॉर्ड जिसे कहते हैं, ये गानों में यूज होते हैं, मतलब ई मेजर का स्केल है ना, जैसे कि तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान, साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम ना होंगे जुदा। ठीक है, ये ई मेजर, ई मेजर में ये प्रोग्रेशन कॉर्ड क्या है, इसके रिलेटिव कॉर्ड क्या है, इसका खानदान क्या है, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर सॉरी, एंड सी शार्प माइनर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर एंड बी मेजर, ये इसके छः, इसके खानदान, इसका एक खानदान है, इसके रिलेशन है ई मेजर के। तो अभी मरियम ने यही सुनाया है, तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने जो इसके अंदर ही, इस हदूद के अंदर हैं सारे। ठीक है, अच्छा तो मरियम, इसकी तुम्हारी प्रैक्टिस कुछ इतनी ख़ास नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आया तुम्हारी प्रैक्टिस का ना, है ना, तो कोई गाना वाना तुमने कुछ किया या जो तुम चाहती हो कि गाना करूँ? इरादे कैसे है बताना, क्या इसका, इसको बोल बताओ। इरादे कैसा समा है, कैसा समा। अच्छा पता है ये फिंगर पिकिंग क्या होती है? ये फिंगर पिकिंग से गाना बजा रहा हूँ, इसमें पिक तो यूज़ नहीं कर रहा ना जी। अब इसमें फिंगर पिकिंग क्या करूँ मैं, थंब, फोर स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग पे, सेकंड फिंगर सेकंड स्ट्रिंग पे एंड थर्ड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग पे। ठीक है, अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर कॉर्ड देखने की जरूरत नहीं, अब इसका ये वाला फिंगर पिकिंग चेक करो। इसकी प्रैक्टिस क्या है, इसकी प्रैक्टिस यूं की जाती है, थंब फर्स्ट और फर्स्ट फिंगर थर्ड, मतलब यहां यूं नाला ना, चौथी तार फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इसको कौन सी फिंगर्स इसको हैंडल करेंगी, चौथी तार को थंब करेगा, थर्ड स्ट्रिंग को फर्स्ट करेगी, सेकेंड स्ट्रिंग को सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड फिंगर एंड फर्स्ट स्ट्रिंग को थर्ड। तो इसकी आपने करना है 1 2 3 4,
वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, उधर दिखाओ। हाँ हाँ चलो, हाँ ठीक है, ओपन स्ट्रिंग्स पे करो आप, ठीक है ओपन स्ट्रिंग्स। गुड, शाबाश। अच्छा जब आपका ये बेहतर हो जाएगा ना ये वाला हाथ, वन टू थ्री फोर, ठीक है ऐसे वाला, फर्स्ट आपने स्ट्रम थंब से किया है, जब ये क्लियर हो जाएगा ना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, उसके बाद आपने फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, ठीक है पहले आपने वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये प्रैक्टिस करनी है। अरे बेहतरीन, वाह वाह बेहतरीन मरियम। अब आपका लेसन ये है नेक्स्ट, ठीक है जी। अब आप जब भी आओ ये लेसन करके आना, ताकि जो तुम कह रही हो ना गाना बजाना कैसा समा है, तो फिर हम उसको बजाएंगे एफ शार्प से या जी से, कहीं से भी जो स्केल के हमारे हिसाब से होगा। तो अभी तो हमारे मेरे स्केल ये सही रहेगा एफ शार्प। कैसा समा है, ला 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 ला, कैसा समा है, ला 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 ला। मुझे भी वर्डिंग नहीं आती, गाना भी याद नहीं है, तो बस शागिर्दों को स्टूडेंट्स को समझाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है इस तरह, ठीक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को आज हम इस यूट्यूब इस वीडियो को यहीं पर अख्ताम क्या बोलते हैं अख्ताम पजीर करते हैं, जुमले मेरे अटक जाते हैं, अख्ताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मरियम, ओके।